खाता बुक ऐप की ऐसी क्या खासियत है? अरे भाई, खाता बुक ऐप में बैकअप का सुविधा भी है, आप फोन घूमेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका डाटा आपको फिर मिल जाएगा, समझे? तो ये है हमारे परफेक्ट हिसाब किताब का राज, खाता बुक ऐप। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। नमस्ते, दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करने निकली लल्लनटॉप की चुनावी टीम इस वक्त आज हमारे पहले दिन, विधानसभा कवरेज के पहले दिन मौजूद है विधानसभा संख्या 9 यानी किराड़ी विधानसभा सीट में। यहाँ हमारे पीछे जो सड़क है, लोगों ने बताया कि ये किराड़ी की लाइफलाइन है, ये नांगलोई से मुबारकपुर जाती है। तो यहीं पर एक जमावड़ा है लोगों का, इनसे बात करेंगे। और चूंकि हमारी कवरेज का पहला दिन है तो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आगे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां से शुरुआत करते हैं कि क्या माहौल है चुनाव का, क्या कुछ लग रहा है सरकार के, दिल्ली सरकार के, केजरीवाल सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं या क्या कह रहे हैं, ये सारा फीडबैक और आगे के लिए क्या सोचते हैं कि उनके इलाके की ज़रूरतें क्या हैं, हम उन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मैं राम अकबाल गिरी, किराड़ी विधानसभा से हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। कहाँ से, यहीं पे रहने वाले थे या कहीं से आके बस? मैं बाहर से आया हूँ जी। कहाँ से? रोटी के लिए, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, कहाँ से? उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कितना साल हो गया? मुझे 35 साल हो गए करीब। अच्छा, घर वर बना लिया? जी, घर बना लिया। तो ये कॉलोनियां तो अभी अधिकृत नहीं है? नहीं नहीं है। तो इस बार ऐलान हुआ तो उस लिस्ट में नाम है जो केंद्र ने ऐलान किया कि नाम है, नाम है। तो कुछ किया आपने उस प्रोसेस में आगे? रजिस्ट्रेशन किया लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, 8 फरवरी को वोट डलने हैं, तो ये जो 5 साल का केजरीवाल सरकार का कामकाज है, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसा था? मतलब यहाँ की आम जनता किराड़ी विधानसभा की कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या मतलब, क्या चाहिए था, क्या नहीं हुआ? नागलोई से मुबारकपुर रोड और रेलवे फाटक, ये मुख्य कारण है यहाँ के, जो यहाँ की जनता को काफी परेशानी आप इस रही सड़क की बात कर रहे हैं? इस सड़क की बात कर रहा हूँ जो नागलोई से मुबारकपुर रोड जाती है। ये कितने फीट होगा, कितना फीट चौड़ा होगा ये? करीब ये 30-40 60 फीट चौड़ा होनी चाहिए रोड, मौके पर आपको 40 फीट के आसपास मिलेगी। ये 40 फीट सड़क है ना, ये मुझे जितनी दिख रही है उतने के आसपास दिख रही है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से तो जो 60 फुट से कम की सड़कें होती हैं, 60 फुट से कम चौड़ी सड़कें होती हैं, वो MCD के अंतर्गत आती हैं। तो ये सड़क तो शायद फिर MCD के अंतर्गत आई, ये MCD की हुई है। आपका नाम क्या है? मैं, मेरा नाम मोहम्मद राजा है और मैं ये रहता हूँ, मेरे पास में शॉप ही है। किस चीज़ की दुकान है? मेरी कार एसेसरीज की दुकान है। अच्छा, तो ये बता रहे थे कि आपको पता है, आपको जानकारी है कि MCD की सर? जी, मैंने खुद इस रोड के लिए, इतनी बुरी हालत थी, मैंने PGMS लगाया था। अच्छा, पहले वैसे MCD के इलेक्शन नहीं है ना, तो अभी हम MCD की बात नहीं करते हम। मैं इस रोड पे आता हूँ, ठीक है, मैं एक पढ़ा लिखा जागरूक नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है हर चीज़ जानने का। तो मैंने PGMS लगाया इस रोड पे कि ये सड़क हमारी क्यों नहीं बन रही है। हमने विधायक के ऊपर भी लगाया कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही है। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया PGMS का, तो वहाँ से जो PWD ने बोला, मैंने PWD पे ही लगाया था, PWD ने बताया कि ये रोड हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये रोड MCD का है। तो हम MCD को, आपका जो कंसर्न है, कंसर्न डिपार्टमेंट MCD है, हम उनको फॉरवर्ड करते हैं। फिर हमने MCD को लगाया, फिर MCD कहती है हमारे पास इसके लिए फ़ंड नहीं है, हम इस रोड को नहीं बना सकते। तो अब जो ये रोड बन रहा है वो वहाँ से वहाँ तक, देखो परेशानी तो बहुत हुई है, MCD को बनाना था, MCD ने नहीं बनाया, फिर उसके बाद इस रोड को विधायक जी बनवा रहे हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं कि परेशानी हुई है, दुख भी हुआ है, दिवाली के समय में सबका टाइम था, वो ख़राब हुआ है, इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी MCD को कि ये सड़क उनका है। आप क्या कह रहे हैं? आपको समर्थन है तुम? अरे अरे, विधायक के समर्थन आप ऐसे ऐसे नहीं अभी बोल रहे हो ना आप? नहीं नहीं, एक्चुअली बोलो ना, जो भी है, ये कौन है, ये कौन है, क्या ये क्या नेता के आदमी है? एक सेकंड, किराड़ी क्षेत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं सर, मैंने PGMS लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए,
एक एक करके बात करते हैं, आप निकाल लिया, सुनिए एक एक करके बात करते हैं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, सुनिए आप बात सुनिए, आपको क्या नहीं है, एक मिनट रुकिए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप नहीं सुन रहे मेरी बात, मैं आपसे कह रही हूँ, उन्होंने अपनी बात कही, आप अपनी बात कही, अरे छोड़िए, लड़ाई कर भी नहीं सकते मेरे से तो, अरे आप कैमरे पे धमका रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, बात नहीं है, बताइए आपको क्या कहना है, आप यहाँ का आप हमसे बताइए, रखो आप, हमने एमसीडी से कुछ नहीं लेना देना, एक सेकंड, एक ना हमने एमएलए से लेना देना, हमें अरे इनको छोड़िए, आप लोग बताइए, आप मैं बताता हूँ, आज जो यहाँ लड़ाई है विधानसभा की, ये विधानसभा की लड़ाई जो है, उधर चले जाइए, उधर सुनिए हमारी बात, आपको सब बोल, सबको आप न्यूज लल्लनटॉप है ये, आपको उनको बोलने का मौका दिया, आपको मना किया हो तो आप बताइए, आप अपनी बात कहिए, लड़ाई मत कीजिए, क्या एक मिनट बताइए आपको क्या बताना है, मैं ये कहता हूँ किराड़ी क्षेत्र के अंदर सिर्फ दो महीने से काम चलो है, पौने पाँच साल से आज तक कोई काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या विधायक फंड नहीं मिलता, कितना ही फंड लो, लेने वाला चाहिए, हम फंड दिलवाते हैं ना, आप लेने वाले बनो, मैं दिलवाता हूँ, जा कहते तो वहाँ चलूंगा और फंड में आप कौन है, मैं 3 कॉलोनी का प्रधान हूँ, अच्छा आप प्रधान है तो राजनीति में, राजनीति से कोई वास्ता नहीं, अच्छा तो ये वजह थी, कॉलोनी समाज सेवक है, समाज सेवक है, अच्छा लेकिन आप तो किसी भी किराड़ी क्षेत्र में आप चले जाओ, मैं आपको कूड़ा आज तक कोई कहीं से नहीं उठ रहा, सारी गली और रोड सारे पानी पानी के भरे पड़े हैं, सारा टूटा पड़ा है, तो कहाँ है हमारे विधायक, कहाँ हमारे निगम पार्षद है, उनको पैसे कमाने से कोई फुर्सत नहीं है, निगम पार्षद एमसीडी में होंगे ना, एमसीडी का हम यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, एमसीडी का इलेक्शन तो अभी नहीं है, हाँ पर असल में दिल्ली की व्यवस्था बहुत जटिल है, यहाँ जिम्मेदारियाँ बहुत जटिल हैं, आपस में बहुत उलझी हुई हैं, कुछ चीज़ें एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, कुछ चीज़ें पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं, जैसे नाला बनाना, जिस नाले पर हम खड़े हैं वो नाला एमसीडी का नाला है, और लोगों की शिकायत थी कि खुला नाला है, तो इसके ऊपर इसे ढकने की जिम्मेदारी किसकी है, या इस सड़क को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है और लोग आपस में भिड़ रहे हैं, आप काम ही नहीं हो रहा, मैं दो शब्द बोलूं, मैं मेरे को आज्ञा है, दो शब्द नाम बताइए पहले, मेरा नाम विपिन कुमार यादव है, मैं सिर्फ किरारी विधानसभा क्षेत्र का एक नागरिक हूँ और कुछ नहीं, कहाँ है घर आपका, मेरा इंद्रायणी के लिए फेज 2 में मेरा घर है, अच्छा ठीक है, क्या काम करते हैं, मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी चलाते हैं, हाँ। कैसा चल रहा है काम धंधा, ठीक ठाक चल रहा है, कोई चल रहा है, आप बताइए क्या बता रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब से 5 साल से केजरीवाल की सरकार आई है, देखिए मुझे केजरीवाल जी से कोई मतलब नहीं है, अच्छे इंसान है मुझे पता है, अच्छा। ठीक है, वो अच्छे इंसान है, मगर उनके जो कुछ विधायक है ना वो अच्छे नहीं है, 5 साल से पूरे किरारी विधानसभा क्षेत्र में आप कोई सा भी मेन रोड घूम कर देख लीजिए, कोई सा भी मेन रोड, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं, मेरे को किसी भी नेताओं से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक भी रोड अच्छा नहीं है, चलिए आपने विधायक जी का नाम लिया, उनका परिचय भी लोगों को हमें देने दीजिए, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन की सिफारिश के बाद ये एक अलग विधानसभा सीट बनी, 2008 के जो चुनाव हुआ उसमें जीती बीजेपी, 2013 के चुनाव में भी बीजेपी जीती, अनिल झा विधायक बने, 2015 में आकर जब इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के ऋतुराज ने अनिल झा को हरा दिया, इस बार भी यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋतुराज को सीट टिकट दिया गया है और बीजेपी की तरफ से खड़े हैं अनिल झा, ये था विधायकों का परिचय, विधायक जी का परिचय जिनका जिक्र इन्होंने किया और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं बीजेपी के उनका जिक्र, हाँ ये सीट मैं भी अनिल झा जी को क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मैम, हाँ। मैम मेरा नाम हरिंदर है जी, ये 5 साल में जो है आम आदमी पार्टी ने इलाके को बेरा गर्क कर दिया, कैसे कैसे बताइए, 4.5 साल तो सोए रहे हैं एमएलए साहब हमारे, उनको फुर्सत नहीं रहा, आपने 3 महीने में उनको काम कर दिखा जी, ना किस इलाके में कहीं भी नहीं निकल सकते हो,
आपसे कभी मुलाकात मुलाकात नहीं, नहीं मैंने भी आज तक नहीं देखा। विधायक नहीं निकलते इलाके में? विधायक अपना घूमते रहते हैं, बाकी कोई काम नहीं उनका। पाँच साल कोई काम नहीं। आप लोग कोई काम लेकर कभी गए उनके पास? मैडम पर्सनली मिले, कई बार मिले पर्सनली। कोई प्रोग्राम भी करवाया? एक बात बताइए, इलेक्शन के टाइम पे कोई आता है यहाँ पे वोट मांगने के लिए? अभी जैसे दो तीन दिन पहले भी यहाँ पे रैलियाँ निकल रही थी, उस टाइम पे तो सारे आए हुए थे। और उससे पहले आज से पाँच साल हो चुके हैं, अप्रोक्स पाँच छः साल हो गए। हाँ जी, तो अभी तक किसी की ज़रूरत नहीं समझी कि भैया यहाँ के रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट कैसी है, यहाँ का पानी की फैसिलिटी क्या है, बहुत ही बुरा हाल है। तो आपका कहना है कि भले ये सड़क जो है वो MCD के अंतर्गत आती हो, लेकिन विधायक को विधायक फंड का इस्तेमाल करके ये करना चाहिए था, ये आप कह रहे हैं। अब ये बननी शुरू हुई है, कितना टाइम हुआ सड़क बनना शुरू? लगभग ये पिछले साल ये सितंबर 6 महीने से चालू हुआ काम। नाम दिनेश गोयल मेरा नाम है, और वार्ड नंबर 40 में जाके देखिए, इतना बुरा हाल है कि हद से ज्यादा डेंगू से लोग मर रहे हैं वहाँ पे। अप्रोक्स 6 महीने में डेंगू से सर मर रहे हैं वहाँ पे। मेरे बच्चे को अभी डेंगू हुआ था 3 महीने पहले, मैंने खुद मैं उस सिचुएशन से बीता हुआ हूँ। तो अस्पताल लेकर गए? अस्पताल में कैसा है मोहल्ला, क्लिनिक अगल बगल है कोई? यहाँ पे कोई क्लिनिक है लेकिन वो सिर्फ बगल में क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक है यही बगल में, मोहल्ला क्लिनिक। 10-10 मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं किलाड़ी में हमारे। कि नहीं, आप क्या पार्टी से जुड़े हैं? आम आदमी पार्टी से तो नहीं है ना, आम इंसान आम लोग हैं। मैं उस चीज को बता रहा हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसार है। ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। यहाँ से आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे जा सकते हो और वहाँ पे आपको दो मोहल्ला क्लिनिक दिख जाएगा। चौक पे मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है? वो बिल्कुल नाम का मोहल्ला क्लिनिक है ना, पे वहाँ पे कुछ कोई बैठता है वहाँ डॉक्टर वगैरह, और ना कोई वहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम होता है। स्थिति बदहाल है आपका कहना है मोहल्ला क्लिनिक की, आप बताइए। ये जिस हिसाब से जो बता रहे ना आपको, तो आप अभी कैमरा लेके अपना उस मोहल्ला क्लिनिक पे जा सकते हो, सारी स्थिति आपको सामने नजर आ जाएगी। देखो जो चीज सच्चाई है उस चीज को सच्चाई बोलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था वहाँ। अच्छा, आपका कहना है कि इलेक्शन से पहले हुआ, लेकिन आपका क्या? मैं कई बार मोहल्ला क्लिनिक निठारी में जो है वहाँ से दवाई खुद लाया हूँ मैं, और जाते हैं तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे। यहाँ तो कभी यहाँ पे इलाज के नाम पे कभी कुछ नहीं था, केजरीवाल सरकार ने इतनी फैसिलिटी दी हमें कि शायद आज तक मैंने। आपका पार्टी के नहीं है ना? नहीं मैम। अच्छा आप बताइए। यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि केजरीवाल ने हमारा धंधा चौपट कर दिया। मतलब कैसे जी? तो कहते हैं जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दी। ये सही कह रहे हैं? मैडम जी एक मिनट में आपको। जीवन से अगर उद्धार मिला है तो 5 साल में अनिल झा बस की वजह से मिला है, नहीं तो कॉलोनी पूरी विधानसभा क्षेत्र बनाया हुआ उनका है। आज कोई भी इस पे दावा करे तो गलत है। केवल एक विकास पुरुष ने इस कॉलोनी को, विकास पुरुष है ये जो पूर्व विधायक हैं BJP के, जो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको विकास पुरुष कह रहे हैं। क्या क्या काम करवाया था उन्होंने? नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाया, पानी का कनेक्शन, जबकि पानी के बूंद बूंद के लिए पूरी कल्याण विधानसभा के लोग। बिल्डिंग किसकी है? अनिल झा की है। क्या बोल रहे हैं आप? पता है कितने प्लॉट कब्जा करवाया तक पता है किसे ने? अनिल झा का आप ये हमें पता है? एक प्लॉट में खड़ा कर सकता हूँ उसके प्लॉट में। अगर आप थोड़ा धीरे बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे। क्या बता रहे हैं आप? अनिल झा ने काम किया, काम किया, हम ये नहीं कहते नहीं किया। उसमें से 900 करोड़ कमाए भी तो उसने, वो पब्लिक में लगाते पैसे। तो आप ये बता दीजिए वही पैसा कि ऋतुराज जी ने क्या किया? नहीं किया कुछ भी, वो भी बता दूंगा ना। वो गुप्त है। एक सेकंड, वो गुप्त है। एक सेकंड, अनिल जाने, अरे सुन तो लो, अनिल जाने आपके पास भी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री उस टाइम उसने काम किए, ग्रांट लिया छक्के, मैं ये कहता नहीं, बहुत काम किया उसने, हर तरह का काम किया 2008 से 2013 के कार्यकाल में। बिल्कुल कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहते नहीं किया, लेकिन उस दौरान जो पैसा उसने कमा के बाहर लेके गया दिल्ली का पैसा, वो पैसा अगर ये किराड़ी क्षेत्र में लगाता आज उसको हारने की नौबत नहीं आती दोबारा। आप क्या करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल लगाता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग बताइए ताली क्यों बज रही है? प्रूफ भी है। सही बात, सही कह रहे हैं। मकान में जाके दो दो चार चार लाख SDM से मिलके खाए वो कहाँ जाएंगे? मेरे पास प्रूफ है उसके कंस्ट्रक्शन के नाम पे। ये बात सही, तो ये प्रूफ जो है आपके पास, बिल्डिंग के जाके नाम पे खड़े हो गए, वो पैसे कहाँ हैं? विधायक जी ने, ये बात हकीकत है कि विधायक जी के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जब उस टाइम मकान जो पुलिस वाले जबरदस्ती तोड़वा रहे थे, ठीक है, बने बनाए मकान तोड़वा रहे थे, इन्होंने विधायक जी ने ये काम जानबूझ कर, वो चाहते तो इस चीज को रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। अनिल झा जी ने इसको रोका नहीं बल्कि और बढ़ावा दिया और पुलिस वालों से संगठन मिलकर के उनसे पैसे खाए। ये आप समर्थक हो के ये बात कह रहे हैं? किसका समर्थक?
अभी तो आप लोग नारे मैंने किसी का समर्थन नहीं दिया। किसने नारा लगाया? जो सच्चाई है मैं नागरिक नहीं लगा रहा था, केवल विकास कार्य का समीक्षा कर रहा था। एक सौ दो कॉलोनी है जितने चुनाव हुए हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या बोलेंगे? जितनी विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, ये बात हमने मिस्टर श्याम जाजू को पर्सनली मैं बोलने वाला हूँ। किसको? श्याम जाजू उपाध्यक्ष है भारत के बीजेपी के, पर्सनली जाके बोलने वाला मैं हूँ। अच्छा, जो आप सबूतों की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के, कि आप भ्रष्टाचार के सबूत हैं, तो आपने कभी विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं दिया? विजिलेंस भी मिली हुई थी, उससे डीसी तक मिला हुआ था, एसडीएम तक मिला हुआ था, सब मिले हुए हैं। अभी आपका तो है ही नहीं कुछ उसके पास। लेकिन मैम जो भी है, उन्होंने उन्होंने जैसा भी किया लेकिन पाँच साल उन्होंने काम, मतलब आपका कहना है कि काम किया लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों से आप भी सहमत हैं? लेकिन काम किया, यहाँ पर एमसीडी की वजह से इतना काम ठप पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर सानी है। कहाँ रहते हैं? मैं यही गौरव नगर में रहता हूँ। काम क्या करते हैं? मैं अभी एक जस्ट पास आउट करने के बाद एक जो कोचिंग होती है यूपीएससी की सिविल सर्विस की, तो उसकी कोचिंग ले रहा हूँ। जो स्कीम आई थी जय भीम योजना करके, तो क्या बता रहे हैं? यहाँ पर जो रोड है जितनी भी सारी की सारी टूटी हुई है, एमसीडी साफ करने के लिए नहीं आता, कोई एम्प्लॉय साफ करने नहीं आता। हमारी निगम पार्षद जो बीजेपी से है पूनम प्राशा जी, वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलती है। और वार्ड नंबर 44 सोना रंजीत चौधरी बिल्कुल ही करप्ट, उनके बीजेपी से है, बीजेपी से ही है। ठीक है, सोना जी को तो हमने आज तक देखा ही है। अभी मेरे पड़ोस में एक नोटिस भेजा है एमसीडी वालों ने आपके। अभी सुनिए, देखिए थोड़ा ट्रैक से हट रहे हैं। एमसीडी का इलेक्शन नहीं है, है ना, दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन है। तो मुझे ये बताइए कौन है? अच्छा नहीं नहीं, ये इलेक्शन भी लड़ चुके हैं आपके सामने। कौन? पुष्पराज? नहीं नहीं नहीं, पुष्पराज तो खड़े हैं यहाँ। अच्छा, किस पार्टी से लड़े थे? बीजेपी से लड़ा था, बीजेपी से लड़े थे। और ये उसका समर्थन दे रहा था उस टाइम जबरदस्त। यहाँ पर मैम केजरीवाल जी ने बहुत काम किया। देखिए, मैंने अनिल झा के साथ काम किया, लेकिन अनिल झा के अंदर इतना घमंड आ गया कि उसने यहाँ पर कई लोगों के साथ मारपीट करी, उस पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा भी लगा हुआ है। ठीक है, सितंबर 2019 में यहाँ एक सभा चल रही थी और उसमें बीजेपी के जो नगर पार्षद थे वो थे, और खबरों में आया कि अनिल झा और उनकी पत्नी वहाँ पहुँचे, वहाँ काफ़ी गाली गलौज की, घूसा चलाया, मारपीट हुई। फिर ये वाली बात पूछी गई मनोज तिवारी से कि वो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो उनका कहना था कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई हैं, वो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए हैं हमारी पार्टी के लोग। और इसके पीछे की वजह क्या बताई मनोज तिवारी ने? उनका कहना था कि बीजेपी के लोगों को पता है कि हमारी सरकार आने वाली है विधानसभा में, इसीलिए लोग कुछ ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं और मारपीट हो रही है। उस मारपीट के बारे में कुछ बताएंगे? आप लोगों ने सुना है किसका? यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या है कि अब जैसे बीजेपी की जो टिकट बट रही थी तो उसमें क्या था, कई लोगों ने अपने आप को प्रत्याशी के रूप में समझा, और जैसे कि यहाँ पर तीन निगम पार्षद जो हैं वो बीजेपी से हैं और दो आम आदमी पार्टी के, जो एक निर्दलीय खड़े हुए हैं बीजेपी के, रामदयाल शर्मा, रामदयाल महतो, वो चाहते थे बीजेपी से टिकट लेना लेकिन उनको मिला नहीं, उनको मिला नहीं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पर सभा हो रही थी और सब अपने आप को संबोधित करने के लिए मंच पर चढ़े हुए थे, परंतु जो कार्यक्रम था वो अनिल झा द्वारा करवाया जा रहा था। तो क्या हुआ कि हर कोई अपने आप को गलत बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत जानकारी, उस कार्यक्रम के अंदर वो संगठन के द्वारा एक मीटिंग कराई गई थी जिसमें वरिष्ठ उनके पदाधिकारियों को आना था, लेकिन वहाँ पर क्या था, अनिल झा के पास अभी कोई पोस्ट नहीं है बीजेपी की, उसका कोई बैनर में नाम नहीं दिया गया था। तो इस बात को लेकर अनिल झा ने वहाँ पर अपनी तानाशाही दिखाई और वहाँ पर आकर जो है ना, अच्छा, पांच सात गुंडे टाइप लोगों को लेकर साथ में आकर उसने मंच पे कब्जा करने की कोशिश करी। इससे संगठन के लोग नाराज हुए और इसलिए उसके साथ मारपीट हुई गई। उन्होंने हाथे के साथ ही माइक छीना, माइक छीनने के बाद बोलने लगे जो बोलना था, तो जितने भी निगम पार्षद थे उनकी बारी नहीं आई और वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट की। पर इनकी जो वाइफ है पूनम प्राशर झा करके, उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की, निगम पार्षद भी है, हाँ जी, तो उन्होंने माइक छीनने की कोशिश की। इतने में निगम पार्षद, बाकी निगम पार्षदों ने अपना विरोध दर्ज कराया, पर वहाँ पर हाथापाई की नौबत आ गई। गोपाल झा, अनिल झा जो इनके पति हैं अभी जो बीजेपी से दावेदार है यहाँ पर,
उन्होंने इतनी मारापीटी की अपने समर्थकों के साथ कि यहाँ पर मतलब भगाया गया, दौड़ाया गया, झंडों से, लाठियों से मारा गया, मतलब इतनी बुरी हालत थी। अगर नेता इस तरह से लड़ेंगे आपस में तो ये काम क्या करेंगे? ये पूरी की पूरी रोड एमसीडी की है। अब जाके मतलब मेरे ख्याल से ये यहाँ के जो अभी विधायक हैं ऋतुराज आम आदमी पार्टी के, तो वो अब काम करवा रहे हैं यहाँ। ये काम बहुत अच्छा अच्छा सुनिए, अब ये बताइए, एक एक करके जो बड़ी योजनाएं थी जिनके बारे में केजरीवाल सरकार ने काफी दावा किया, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में आप लोगों से फीडबैक लेते हैं। बिजली, इस पर बताइए बिजली का क्या, की क्या स्थिति है? मीटर 200 यूनिट तक के फ्री हो गई है, कैसा? 24 घंटे बिजली आती है, अगर कभी कट लगता है तो एक दो मिनट का। आप लोगों को फायदा मिल रहा है क्या? 200 जो 200 यूनिट जो दिखाइए। मैं एक बात बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी को ऑपरेशन पथरी हो गई थी, तो मेरी मम्मी का इलाज चला था महावीर हॉस्पिटल में, तो उनका ऑपरेशन होना था, तो ऑपरेशन का टाइम ज़्यादा लंबा मिला था। तो फिर जो दिल्ली सरकार की योजना है कि आपको अगर एक महीने से ज़्यादा टाइम मिलता था प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो, तो उसके तहत मेरी मम्मी का इलाज। ये आपकी बात पे दोबारा लौटेंगे, ये लोग बता रहे हैं बिजली का एडजस्टमेंट का बिल है, एडजस्टमेंट बिजली का बिल आया हुआ है, ये खुल नहीं, ये जूम इन नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि ये 65 यूनिट का बिल भेजा गया है, एडजस्टमेंट होता है हर साल का बिल जो आता है, इसे खोलिए जरा, ये जूम नहीं हो रहा है। देखो एरियर पिछला इनका बकाया है। हाँ, ये बिल दिखाने आए थे बिजली, मुफ्त बिजली की बात पर दिल्ली में 200 विवाद नहीं हो रहा है पे। रुक जाओ रुक जाओ, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, पार्टी का नहीं है भाई, कार्यक्रम नहीं है। तो 200 यूनिट तक की बिजली केजरीवाल सरकार ने मुफ्त की है, उस पर पूरी तरह से सब्सिडी दी है। तो यहाँ इसका जिक्र चल रहा था, तो ये लोग आए हैं एक बिल लेकर कि 65 यूनिट का बिल आया है, लेकिन इस बिल पर नीचे लिखा है एडजस्टमेंट। आप क्या दिखा पाएंगे राशिद? यहाँ लिखा है एडजस्टमेंट, ये क्या नजर आएगा कैमरे के फोकस पे? नहीं, ब्लर हो जाएगा, पर ये तो एडजस्टमेंट का है, ये तो एडजस्टमेंट का है, पुराना है ना, आप दिखाइए। ये मेरा बिल देखो, 150 यूनिट नोट टू पे, आप दिखा रहे हैं ये। नहीं नहीं, ताली ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं, मैडम। अच्छा, पिछले 4 महीने से पानी पानी की स्थिति बताइए। मैं कुछ बात बताता हूं, बात करना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिजली फ्री हुई है, ये 5 साल से भी फ्री हो सकती थी, परंतु क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? मगर जो बस के अंदर देखिए, अगर आप सवाल तो बनता है ना, अगर आप खड़े हैं यहाँ पर, तो आप चलिए, मैं ये मानता हूँ कि 4.5 साल तक ये कहा गया कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, परंतु क्या अचानक से ऐसा क्या होता है कि दो महीने और 3 महीने पहले से ही बिजली फ्री हो जाती है, फिर उसके पास अनऑथराइज्ड कॉलोनी 3 महीने पहले पास हो सकती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का ढिंढोरा 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले सिर्फ 20 लोगों की रजिस्ट्री करके फिर उसके बाद सकते हैं। दोस्त आपके सवाल पे लौटेंगे, इनका सवाल। फिर उसके बाद बसें फ्री हो जाती है महिलाओं के लिए, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये फ्री किया गया, क्या इसकी अवधि भी बताई जाएगी कि 5 साल तक रहेगा, 10 साल तक रहेगा? केजरीवाल जी ये बताना चाहते हैं कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे, तो क्या वो इस बात का भी समय सीमा तय कर सकते हैं कि कब तक फ्री रहेगा? और एक बात और, क्या कहते हैं, शीला दीक्षित जी ने जो DTC की बसें चलाई थी, अब 2 साल बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो अब जो बसें आ रही हैं वो क्लस्टर बसें क्यों आ रही हैं? जब मैं कॉलेज जाता हूं, मैं 50 रुपये का पास बनवाता हूं, ठीक है, तो जब मैं वहां पर वेट कर रहा होता हूं घर की तरफ आने के लिए, तो जो पास बना होता हूं 50 रुपये का, वो ग्रीन बस और रेड बस के अंदर चलता है, मगर क्लस्टर बसें कई सारी आ रही होती हैं। अभी आपने देखा होगा 2000 क्लस्टर बसों का उन्होंने उद्घाटन भी किया था। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वो ये बात करते हैं कि हम साम्यवाद को लाएंगे और गरीब की आवाज़ें हम, तो उन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा देकर क्लस्टर बसों को क्यों लाया? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे लौटती हूँ, सुनिए सुनिए, पहले कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, फिर आप एक क्या कहते हैं समर्थन लेते हैं। हाँ, देखिए
क्या है, फिर वो कहते हैं कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे कभी भी, जब वो आए थे और लोकपाल बिल की बात करते थे वो, ठीक है। आज क्या है, लोकपाल बिल का कहीं नामो निशान नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं, देखिए क्या है कि जनता बहुत भोली भाली है और वो भूल जाती है, यहाँ तक कि लोगों को यहाँ पर, कई लोगों को यहाँ पर खड़े खड़े ये भी नहीं पता था कि ये जो क्या कहते हैं रोड है वो MCD की है। ये मानता हूँ मैं MCD की रोड है, और यहाँ पर लोग कहते हैं कि ऋतुराज जी ने काम नहीं किया। मैं तो ये नहीं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये काम नहीं किया, ठीक है। देखिए आप समर्थन आपका किसी का कहना है मेरा कि ये काम वो पहले करवा सकते थे विधायक फंड से, लेकिन उन्होंने 3 महीने पहले क्यों किया? क्या है, अब एक सेकेंड, अब मेरी बात सुनिए, एक दो चीजें हैं जहाँ तक मुझे पता है, सवाल केजरीवाल जी, सुनिए जहाँ तक मुझे पता है, बाकी चीजों के बारे में तो नहीं। क्लस्टर बसे हमारी लल्लन टॉप की टीम ने केजरीवाल सरकार के दावों पर, जो जो उन्होंने दावे किए हैं कि हमने ये काम किया है, उससे जुड़ी कुछ चुनावी रपटे की, कुछ जमीनी हकीकत की रिपोर्ट्स की, हमने देखा कि वो वादे कितने हद तक सही साबित हुए थे, उसमें से एक परिवार से भी जुड़ा है, और ये शिकायत हमें भी मिली ग्राउंड पर कि नई DTC की बसें नहीं खरीदी जा रही हैं, वो क्लस्टर बसें लाई जा रही हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। और दूसरी बात कि केजरीवाल सरकार एक गारंटी कार्ड लेकर आई है, आपका सवाल जायज है, अभी अभी आते हैं आपके पास, बस ये बता दूं। और केजरीवाल सरकार एक गारंटी कार्ड लाई है, उनका कहना है कि उनकी ये स्कीम्स आगे भी चलती रहेंगी। मैं इनके एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि कॉलेज में मैं पढ़ता था तो 50 रुपए खर्च करता था, पढ़ता हूँ ये अभी भी पढ़ते हैं। अगर इनको नहीं पता तो कॉलेज में मैं भी पास आउट कर चुका हूँ, ये डेली का 50 रुपए पास बनवाते थे, जबकि इनको पता होना चाहिए 105 रुपए में महीने का पास बन जाता है, तो ये डेली का 50 रुपए पास बनवा के क्या कर रहे हैं? दूसरी चीज मैं बताना चाहूँ, एक सेकंड बहुत हाई पर लोग का लोग हैं, ये दूसरे के बहुत पर्सनल लोग हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं? बस के आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं किराड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, किधर रहते हैं? किराड़ी गांव में रहता हूँ। काम क्या करते हैं? मैडम प्रॉपर्टी का काम कर ले। अरे पर्सनल मत हो यार, बस अगर तेरे को पास मिल जाए और बता दे भाई, बस चलेगी तो आपको भी मिलेगी, वो उसी की बात कर रहे हैं, सुन लो बताइए। मैडम रेंट आ जाता है, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। नहीं नहीं, मैं पूछ रही बस के बारे में, क्या क्या बस के बारे में? मैडम पिछले पाँच साल से मैम हमने किराड़ी में बस नहीं देखी, क्लस्टर भी नहीं देखी, रेड वाली भी नहीं देखी, ग्रीन वाली भी नहीं देखी। अब किसी लोग ने देखी हो तो मेरे को बताओ। यहाँ पर इस सड़क पे, मतलब इस सड़क पे तो ट्रैफिक चलना ही वो है, मतलब यहाँ पे तो वैसे इतनी धूल उड़ रही है, इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे तो बस भी कैसे है? कहाँ तक आप लोगों को जाना पड़ता है? नियरेस्ट बस स्टेशन कहाँ? मैडम नांगली जाना पड़ता है मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ तक या ई रिक्शा में 20 रुपए ई रिक्शा वाला लेता है, यहाँ 20 रुपया सुविधा चाहिए तो क्वेश्चन मैं ही खड़ा करूँ। तो आप दोनों लड़ते रहेंगे, ठान ली है? आप दोनों को अखाड़े में भेजा जाए क्या? इनको बता रहा था, नहीं ऐसे बताते हैं, धमकी दे रहे हैं, मैं यही खड़ा हूँ, वो दे रहे हैं, ऐसे थोड़े ना लड़ते हैं यार। रोहिणी में प्यार से झगड़ा नहीं करना। रोहिणी में मेरा एक कोचिंग सेंटर है, मैं जाता हूँ डेली। जय भीम योजना के तहत मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, 2 साल पहले मैंने BTEC की थी, और BTEC करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँ। तो एक इच्छा थी कि यार थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाएगा तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बट 2 साल के बाद अभी इस टाइम पे मेरे ख्याल से जनरल के लिए इन्होंने, केजरीवाल जी ने जय भीम योजना करके एक स्कीम चलाई है, जो जनरल के लिए जिनकी 8 लाख से कम इनकम है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैं गया रोहिणी में ही, वहाँ पर मैंने एक पैरामाउंट करके कोचिंग सेंटर है, एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद उन्होंने खुद ही फॉर्म फिल करवाया, जिसकी फ़ीस 1,44,000 रुपये जो फीस थी, वो मुझे 1 भी रुपये पे नहीं करनी पड़ती। मेरी डेली की 4 घंटे की क्लास होती है, आज मेरी भी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक की क्लास है, अभी मुझे निकलना है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। मेरे बैच में 200 स्टूडेंट हैं, तो 200 स्टूडेंट के 200 स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प, मतलब उसमें जनरल कैटेगरी। ठीक है, लोगों से बात करते हैं। ये काका आपका नाम क्या है? राम नरेश। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, निठारी में। क्या काम करते हैं? हम दोना प्लेट का। दोना प्लेट बनाते हैं क्या? हाँ, वो प्लास्टिक वाला, कागज वाला? कागज वाला। कागज वाला। काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, आज हम 22 लाख के कर्जे में। क्यों, क्या हुआ? भाई को कैंसर था, इलाज कराने में। हाँ, इधर उधर चारों तरफ। आज जो है मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, और 5 साल की जो हालत है दिल्ली की है, केजरीवाल के काम से तो मैं खुश हूँ, विधायक के काम से खुश नहीं हूँ।
अच्छा विधायक के काम से है, आप हमारे मकान के सामने आइए, जहाँ लेटरिंग का पानी गिरता है उससे भी ज्यादा है, कम से कम होगा तो हमारा अंदाज है तो काफी राउंड में है पानी, अगर उसको आप देखोगे और घर के अंदर हमारे देखोगे मच्छर चिपके हुए हैं हजारों। साफ सफाई नहीं रहती, साफ सफाई नहीं, वहाँ सारा पानी इकट्ठा कर दिया गया, उसी उसमें डीडीए के उसमें डाल दिया गया है, किसी के पास जाओ कोई सुन के राजी नहीं हो, फिर हमारी औकात क्या है, जब हम अपने 22 लाख के कर्जे मुर्जे हुए हैं तो हम किसके पास जा सकते हैं। सरकारी अस्पताल गए थे या कहाँ इलाज कराया? एम्स में भी करवाया था, अहमदाबाद भी करवाया, कानपुर भी करवाया, ग्वालियर भी करवाया। अच्छा ये लगे हुए हैं पीछे। अच्छा आपके इलाके के बारे में सुना है कि यहाँ बेटिंग बहुत होती है, जुआ बहुत होता है, सट्टेबाजी बहुत होती है। अगर मैंने सारे सवाल आपसे पूछे ना तो लोग कहेंगे कि क्या हुआ था, आप ही से क्यों करूं, इनसे जानते हैं, बताइए। यस मैम, यहाँ पे सट्टेबाजी बहुत ज्यादा होती है, जुआबाजी जैसे। कौन लगाता है, कहाँ से, मैम बड़े बड़े किस चीज पर बंद लगता है? ये नंबरों पे पैसा लगाया जाता है। किस चीज के नंबर? ये सट्टे के नंबर होते हैं, जो एक नंबर खुलता है, यहाँ पे 1 के 900 मिलते हैं, 10 रुपए के 900 रुपए। नहीं मुझे समझ नहीं आया किस चीज पर सट्टा लगाते हैं मैडम। ये नंबरों पे, जैसे 100 तक की गिनती होती है उस चीजों पे। नहीं कोई बताएगा मुझे अच्छे से? लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे कि आपने लगाया 3 नंबर, एक्चुअली होता क्या है, एक आदमी बैठता है टेबल पे, उस आदमी के पास स्लिप्स होती हैं बिल्कुल ब्लैंक, कोई भी आदमी आएगा बोलेगा कि 10 नंबर लिख दे, 10 नंबर पे आपने 10 रुपए दे दिए और 10 नंबर की पर्ची आपके पास आ गई। ऑनलाइन में अगर आप जाओगे ना नेट पे तो बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, सट्टा किंग करके ऐसे करके बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, उस पर डेली का टाइम होता है 8 बजे 10 बजे 12 बजे, तो आप 8 बजे का खोल के देखोगे जो नंबर 8 बजे का 10 नंबर पे लगाया है, अगर 8 बजे वाले में 12 नंबर आया है तो 10 रुपए डूब गए उसके, मगर अगर 100 में से वो उसने जो उसमें जे उसमें से उसने 10 10 10 पे लगाया है तो उस पे 10 × 100 times। पहले विधायक थे, मेरा नाम सुखबीर सिंह है, पहले इतना भ्रष्टाचार होता था मकान बनाने पे, मैंने खुद 20,000 दिए थे, अब मैंने मकान बनाया एक चवन्नी नहीं गई मेरी। दोबारा मकान बनाया? दोबारा मकान बनाया? हाँ वो मैंने पहले वहाँ उधर बनाया था सनी बाजार में, वहाँ 20,000 दिए थे, इस सरकार में बनाया एक पैसा नहीं है, ना कोई केजरीवाल साहब ना ना कोई जयकारा नहीं लगाना है भाई, पीछे लगाइएगा भाई केजरीवाल आएगा। ये बताइए कि सट्टे की बात हो रही थी, सट्टे की बात पे आपके विधायक ने पिछली बार कहा था, सुन तो लीजिए, ऋतुराज जी ने कहा था पिछली बार, जनता से वायदा किया था कि बंद करवा देंगे सट्टेबाजी, तो काम हुआ उस पे? नो मैम, मैं बताऊंगा और उल्टा बढ़ गया है मैडम, बढ़ गया है। इसमें पुलिस वाले हैं, इसमें पुलिस वाले पैसे लगा जाते हैं, इसमें इसके जिम्मेदारी पुलिस की है, दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अंदर। वायदा तो किया था ना विधायक ने, क्या उसके लिए वो सुनते नहीं, पहले पुलिस वाले पहले सूचना पहुंचा देते हैं सट्टे वाले के पास और पिटवा देते हैं, अगर मैं कंप्लेंट करूं तो पिटवा देंगे पुलिस वाले को। ये है हालत, केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है यहाँ के, जितने पुराने किसी, मैं नहीं कह रही उनका हाथ है, मैं कह रही हूँ सुनिए सुनिए अपनी धुन में आपको एक और मैं बताऊं, ना 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 सुनिए, मैं रहने वाला मटियाला से हूँ और मैं कह रहा हूँ झाड़ू आ रहे हैं, गुलाब भाई हो चाहे रुतुराज हो, सब काम करवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये नहीं कह रही कि केजरीवाल का हाथ है, मैं कह रही हूँ वादा किया था विधायक ने, वादे करते समय अधिकार क्षेत्र भी तो देखना होगा ना, कि दिल्ली पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, दिल्ली पुलिस हमारे अंतर्गत नहीं आती, पर वादे करते तो है ना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना कि वादा जो किया वो क्यों नहीं हुआ। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, आपसे नहीं पूछेंगे, आप हमको, अरे आपको लोग बोलेंगे, आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम सिद्दीकी। ये बताइए कि दिल्ली सरकार से किराड़ी के लोगों को क्या चाहिए? किराड़ी के लोगों को चाहिए, बिजली आ रही, पानी चाहिए वो आ रही है, स्कूल का अच्छा स्थिति वो आ रही, हॉस्पिटल है, अब क्या चाहिए? कुछ और नहीं चाहिए, सब मिल गया, सब मिल गया। अब रोड तो बन रहा है, रोज बनेगा, टूटेगा, नाली पानी नहीं निकले, ये एक समस्या है, बाकी सब कहीं बाहर से आके बसे हैं? जी हम बाहर से आए हुए हैं। कहाँ से? बिहार से आए हुए, 30 बरस से मैं यहीं रह रहा हूँ। 30 बरस से जी। इसी यहाँ पे कितने वोटर है, मतलब बिहार के कितने लोग हैं? पूर्वांचली फैक्टर तो यहाँ बहुत है ना? बहुत है, 80% है वहाँ के।
80% है बिहार और यूपी के। मैडम ये मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। कुछ अरे भैया एक मिनट कुछ लोगों, अरे अरे भैया एक मिनट, अरे कुछ लोगों ने कहा कि मतलब केजरीवाल जी पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या कौन दे रहा, बीजेपी दे रही है या केजरीवाल दे रही है? बीजेपी बढ़ावा इस तरह से दे रही है, गरीब कौन है, आम पब्लिक है या सरकारी नौकरी वाला? मोदी सरकार का थोड़े ना इलेक्शन है, इलेक्शन की बात, इलेक्शन केजरीवाल सरकार का, इलेक्शन की बात नहीं। फिर कुछ लोगों ने ये कहा ना कि केजरीवाल पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो केजरीवाल नहीं दे रहे, मोदी जी दे रहे, गरीब को है। ये कौन है मैडम जी? एक बार राशिद पीछे देखिएगा, यहाँ बन रही है सड़कें, थोड़ा सा एकांत चाहिए ताकि ये वीडियो खत्म हो। ये तो समझ आया लोगों से बात करके, मिक्स्ड रिस्पांस थे। लोग कह रहे हैं बिजली में तो काम हुआ, पानी में काम हुआ, अस्पतालों में भी काम हुआ, स्कूलों में भी काम हुआ, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं। अब वो जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो किसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसको लेकर एक वो नहीं है, एक राय नहीं है, मतलब एक उलझन है कि ये सड़क PWD के अंतर्गत नहीं आती, MCD के अंतर्गत आती है, ये जानकारी लोगों को नहीं है। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये PWD के अधिकार क्षेत्र में ना आने की वजह से ही अगर ये सड़क नहीं बन पा रही थी इतने दिनों से, तो चुनाव के 3 महीने पहले विधायक कोष से पैसा जारी करके सड़क क्यों बनवाया गया? अगर यही करना था तो इलाके के लोगों को लंबे समय से दिक्कत हो रही थी, तब क्यों नहीं किया गया? हम और भी इलाके में और भी जगहों पर घूमने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, केजरीवाल सरकार के 5 साल के कामकाज पर उनका क्या कहना है। हमारी एक दूसरी टीम भी दिल्ली के एक दूसरे हिस्से में लोगों से बातचीत कर रही है। आज पहले दिन वो विधानसभा संख्या 70 यानी करावल नगर सीट पर लोगों से बात करने गए हैं, तो उनके भी वीडियोज़ देखिएगा, हमें बताइएगा दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी वो दिलचस्प बातें जो आप देखना चाहते हैं, वो ज़रूरी मुद्दे जो आप चाहते हैं कि हम उठाएं। अगले वीडियो में हम दोबारा लौटेंगे कुछ और लोगों को साथ लेकर। शुक्रिया आपका।